यूएससीपीए इज डिफिकल्ट टू पास? क्या यूएससीपीए एक बहुत आसान कोर्स है या यूएससीपीए एक बहुत डिफिकल्ट कोर्स? देखिए, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको डेफिनेटली ये एनालिसिस करना चाहिए कि क्या आप इस कोर्स को सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि हाउ मच डिफिकल्ट इज यूएससीपीए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट यूएससीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो अगर हम यूएस के सीए कोर्स को इंडियन सीए से कंपेयर करें तो डेफिनेटली इंडियन सीए यूएससीपीए के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होती है, यूएससीपीए में केवल 4 पेपर्स हैं और एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस सिमुलेशंस का कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं आपको कहूं कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इसको कंपेयर करेंगे तो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा डेप्थ में है और ज्यादा डिफिकल्ट टू पास है। लेकिन इसका ये डेफिनेटली मतलब ना समझें आप कि अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स बहुत आसान होने वाला है। देखिए, यहां आपको यूएस गैप पढ़ना है, यूएस टैक्सेशन पढ़ना है, यहां आपको इंटरनेशनल ऑडिटिंग पढ़ना है। तो डेफिनेटली आपको आपकी स्किल को इंप्रूव करना ही होगा। और वो स्किल क्या हो सकती है, 3 स्किल के बारे में मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि अगर इन 3 स्किल को आपने अपने अंदर इंप्रूव कर लिया, डेफिनेटली आपको यूएससीपीए डिफिकल्ट नहीं। स्किल नंबर 1, यहां आपको यूएस गैप पढ़ना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सबसे लेंथी और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट को लगता है। तो पहली स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आप बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से समझते हो, आप इनकम स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझते हो, आपकी जर्नल एंट्री परफेक्ट है। अगर ये स्किल आपके अंदर है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग को आप डेफिनेटली पास कर लेंगे। तो पहली स्किल मैं आपसे कहूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए, एवरेज नहीं, बिलो एवरेज नहीं, अबव एवरेज होनी चाहिए। मतलब आपका आपकी अकाउंटिंग में मास्टरी होनी चाहिए, देन ओनली आप यूएससीपीए प्रोफेशन को पास कर पाए। अब स्किल नंबर 2 के बारे में मैं बात करूं, वो है गुड इंटरप्रिटेशन स्किल। देखिए, यहां आप यूएस टैक्सेशन और ऑडिटिंग पढ़ने वाले, तो ये बेसिकली एक लैंग्वेज के पेपर है। तो जब लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड होगी, आप प्रोविजन को इंटरप्रिटेट कर सकते हो, प्रोविजन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, तभी आप इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। तीसरी स्किल मैं आपसे कहूं, देखिए, क्योंकि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है प्लस सिमुलेशन है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, कितना क्विकली आप सोच पाते हैं। क्योंकि देखिए, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने के लिए, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने के लिए 1.5 मिनट्स मिलेगी। 1.5 मिनट के अंदर आपको एक एमसीक्यू करना है और अराउंड 1.5 आवर में आपको सिमुलेशंस करने होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान इसको सीख सकते हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट को लैंग्वेज इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो अमेरिकन इंग्लिश में होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश इतनी बेटर डेफिनेटली होनी चाहिए कि आप प्रोविजन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके क्विकली उसको क्या कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके। हम अगर डिफिकल्टी लेवल को कंसिडर कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए, एक ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डेजिग्नेशन को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली आउट ऑफ द वे जाकर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके स्टडी तो डेफिनेटली करनी होगी। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैशन, हाउ पैशनेट यू आर, कि आपको ये पता होना चाहिए ग्लोबल डेजिग्नेशन सीपीए, अगर आपने इसको अचीव कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपको एक ग्लोबल डेजिग्नेशन मिलने वाला है। तो अगर आपको एक ग्लोबल डेजिग्नेशन को अचीव करना है जिससे कि आप इन फ्यूचर सीईओ या सीएफओ लेवल तक पहुंच सकते, तो डेफिनेटली आपको हार्डवर्क तो करना होगा। तो डिफिकल्टी लेवल में आपको ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी जितना डिफिकल्ट तो नहीं है, बट
कोई ऐसा पीस ऑफ केक नहीं है कि आप इसको बहुत आसानी से पास कर लेंगे। आपको कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना पड़ेगा, एक सही फैकल्टी का सपोर्ट आपको चाहिए। तो अगर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लेते हैं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हुए एक प्रॉपर स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को करते हैं, डेफिनेटली आप USCPA को लेस देन 15 मंथ में क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे। तो मेरी आपको शुभकामना है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो डे वन से आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, आपको आपकी स्किल को इंप्रूव करना होगा, आपको कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना होगा और एक सेल्फ मोटिवेशन इज 100% रिक्वायर्ड टू पास USCPA। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।